गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है संडे और हम तो भैया उठ गए हैं अपना फ्रेश व्रेश होकर बैठ गए हैं। बेस्ट पार्ट इज दैट कि आज हमें भागना नहीं है ऑफिस के लिए और ये उठ नहीं रही है, 10 बजने वाले हैं, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाएगा। उठ के थोड़ा सा काम धंधे स्टार्ट करिए। दाढ़ी वाल कटवाने हैं, बहुत सारा काम है। क्या करें हम बताइए। देखिए ये लड़की उठने को राजी नहीं हो रही है, इसकी शक्ल देखिए आप। भूख लग रही है, भूख लग रही है तो उठ कॉफी बनाएंगे, बिस्किट खाएंगे। ब्रेकफास्ट क्या करोगे? क्या करे तू बता, तुझे नहीं पता? प्लेन पराठे बना लियो। रोज पराठे बनवाओगे क्या मुझसे? तो कचौड़ी दिया हूं? नहीं। समोसे, गुलाब जामुन आप बनाओगे? कुछ तो पराठे बना दे। कितने पराठे खाओगे रोज? प्लेन बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मैं आटा भी नहीं गूंदूंगी आज, ना पराठे बनाऊंगे। फिर क्या करेगी साला? छुट्टी छुट्टी वाले दिन तेरे को मेरी खातिर करनी थी। अच्छा, मेरी कब छुट्टी होगी? मेरी कब छुट्टी होगी? मैं बात तो सही बोल रही है। रोज की तरह कंटेनर में मलाई इकट्ठी करी और कॉफ़ी बनाने रख दी इंडक्शन पे। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक कुछ योगा करती हूँ। लोअर लिम्ब पे ज़्यादा फोकस करना है, पेल्विक बोन ही मेरा मेजर फोकस एरिया है। और बाकी तो मैं एक्टिव हूँ पूरे दिन, जितना हो सकता है उतना काम करती हूँ, बाहर निकलती हूँ, वॉक हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, इसीलिए आज थोड़े से लोअर बैक स्ट्रेचेस, जो कि बहुत ध्यान से करने होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, काफ़ी बेटर लगता है मुझे कुछ स्ट्रेचेस लेके। और हॉट हॉट कॉफ़ी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है संडे, संडे की शुरुआत हो रही है हमारी 10 बजे से एक कप कॉफ़ी और क्रैक जैक बिस्किट के साथ। और ब्रेकफास्ट का क्या सीन है बताओ? क्या खाओगे आप? क्या खिलाओगे? तू क्या खाएगी वो तो बता। मैं तो मैगी खिला रहा हूँ। खाएगी फिर? मैगी वैगी नहीं खा रही मैं। फिर क्या खाएगी? कुछ अच्छा सा। अच्छा सा क्या? मुझे नाम बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या बात हुई? टोस्ट। अबे टोस्ट वो थे तो फिर टोस्ट के लिए आलू कौन उबालेगा? ये सब काटो पाटो ये करो झमेला। कचौड़ी नहीं खाऊंगी मैं। ब्रेड? हाँ, ब्रेड पकौड़ा खा लूंगी। वेलकम बैक एवरीवन। सो टाइम हो रहा है 1:10 और बस संडे था, थोड़ा आलस थोड़े काम, तो जस्ट अभी बिल्कुल फ्री हो गए हैं। और दीपक है आज किचन में, बिकॉज मैंने बोला है कि आज मैं किचन का कोई काम नहीं करूंगी। हाँ दीपक, कुछ बोलना है? खाना बना के बोलूंगा। क्या बोलोगे? पूछूंगा कैसा बना। ये क्या है तरीका? कपड़ा नहीं है हम पे? तो आज दीपक क्या बन रहा है खाने में? पुलाव। पुलाव? ये क्या है? ये तो आसान काम कर रहे हो आप, कुछ बढ़िया बनाते। छप्पन भोग टाइप अपना इजी करने के लिए पुलाव। तो यहाँ से देखते हैं दीपक को। वैसे भी आज दीपक नकचड़े हो रखे हैं, तो मैं ज़्यादा दीपक के पास तो जाने नहीं वाली। हर बात पे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, तो मैं तो भैया अपना बाहर ही हूँ। दे देंगे तो खा लूंगी, खाएंगी नहीं देंगे तो कोई नहीं। मैं तो भैया आज मैं भैया अपना दूर दूर ही हूँ। ऐसे फायर हो रखे हैं हर चीज में। आज ना हुआ ये कि दीपक और मेरी ना आज घमासान युद्ध हुआ है 1-2 घंटे का। मतलब हमारा युद्ध वो वाला नहीं होता, हल्ला गल्ला मार करने वाला, हम साइलेंट हो जाते हैं, अलग अलग रूम में बैठ जाते हैं। और इसका रीज़न ये था कि दीपक के अंदर ना एक्साइटमेंट नहीं है, बड़ा लैक ऑफ एक्साइटमेंट वाला पर्सन है ये।
मतलब इंसान कुछ हैपनिंग सा बताए या हैपनिंग सा दिखाए, तो उसमें ना जीरो इंटरेस्ट आता है इस बंदे का, और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि डीमोटिवेट कर देता है कभी कभी, या फिर मेरा मूड स्पॉइल कर देता है, और यही आज हुआ है। रायता खाएगी? हैं? हैं? नहीं खाएगी? तो हाँ या ना बोल। भूख लग रही है मुझे तेज। तो बस बोल यार, तुम डरी यहाँ पर है? सही में? बहुत ज़्यादा मिर्च कर दी है। नहीं लग रहा? है लेकिन इतने नहीं है यार। तेरे को गरम है कहीं, इसलिए तो नहीं लग रहा? वो है लेकिन इतने नहीं है साक्षी, ज्यादा है तो ये मिला ले। गाजर का अचार। तो गाइस मैंने ना इसी मजे में थोड़ा सा अचार डाला था गाजर का, लेट्स सी, शायद अभी कच्चा ही होगा बिकॉज धूप तो निकल ही नहीं रही थी, और कच्चा ही है अभी, धूप नहीं निकल रही थी तो पका भी नहीं। इसके मसाले वसाले की तो जरूरत है नहीं, तू रायता और ये सब ही ले ले। जय माता दी। अरे इसमें बैठ मत जाना, ज्यादा दिमाग क्यों चला दिया अपना? हम पागल है, थोड़ी सी और हल्की सी धूप आया है। ये आ गई है हमारी शाम की चाय। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, अच्छे से व्लॉग भी नहीं हम शूट कर पाए, क्या खाया, क्या मजे करे, कितना लड़े। मैंने बताया है कि आज हम बहुत लड़े हैं, और रीजन भी बताया है। हाँ रीजन ही बताया, तो रीजन ही बता। बताऊंगी, बता। लोगों को भी तो पता लगे ना। और ना अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और टाइम हो गया है 5:30, 5:30 हो गए हैं। यही होता है संडे को, बहुत सारे काम हो जाते हैं, कपड़े समेटना, ये करना वो करना। तो ना ये दीपक भी आ गए हैं, बाहर गए थे सामान लेने। क्या क्या लाए हो देख लीजिए। तो मैंने ना दीपक से, ओ दीपक ये भी ले आए, वाह दीपक आई लव यू। हुआ ये कि मेरा ना केक खाने का मन कर रहा था, तो मैंने दीपक को बोला कि आप पेस्ट्री ले आना। फिर मेरा अचानक से मन करा, भूख भी लग रही है, पैटीज लाऊं। तो मैंने दीपक को बोला पेस्ट्री मत लाना, क्या दो दो चीज लाओगे, बस पैटीज लेकर आओ, आलू पैटी। और दीपक ले आए हैं दोनों। आज दीपक को डोज मिली है ना। आज मैं दीपक पे खूब बरसी हूँ है ना। यहाँ पे दीपक ने ना पनीर की सब्जी बना ली है, वाह एकदम ना रेस्ट्रो स्टाइल बनाई हुई है, उससे भी बढ़िया, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ना ये देखो, और ना मैं ना भी आटा गूंथती हूँ, टाइम भी 9 बज गए हैं, जल्दी से खा लेंगे, ठंड बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आजकल बहुत ठंड है, तो जैसे जैसे रात होती है ना मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाती है, मे बी ठंड की वजह से। अभी मैंने स्टीम लिया, थोड़ा बेटर लग रहा है। मैं यहाँ पे आटा गूंथती हूँ जल्दी से, और फिर ना मैं ना रोटी बना लूँगी, और ना सो जाऊँगी जल्दी से, बहुत हेडेक हो रहा है।
सो गाइस ये देखिए हमारे यहाँ पर डिनर की प्रिपरेशन हो गई है और ये देखिए फूली फूली रोटियाँ फुलके हैं ये फुलके ये रोटियाँ बना रही है साक्षी और थोड़ा सा यहाँ पर हमारा दिन का पुलाव बच गया था उसको भी हमने कहा थोड़ा खा लेते हैं वरना वेस्ट ही होगा खाना वेस्ट कम से कम किया जाए वो अच्छा है। और ये देखिए ये हमारी पनीर साक्षी को टेंशन हो रही है कि मैं ढंग से ब्लॉग बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा जब ये वहाँ जाएगी हॉस्पिटल तो ऐसा कुछ नहीं है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। दीपक को शूट करना बिल्कुल नहीं आता हाँ दीपक को शूट करना बिल्कुल नहीं आता बट मैं कोशिश जरूर करूंगा और देखता हूँ मैं कैसा आ रहा हूँ उसमें मेरा बहुत सर दर्द है इसका सर दर्द है आज बट क्या करें खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे रोटियां बनानी नहीं आती है मतलब बना लेता हूँ ऐसा नहीं है बट परफेक्शन मुझे दीपक को बस एक रोटी बनाते हुए देखना अच्छा नहीं लगता तो बस यही है इस वजह से साक्षी रोटी बना रही है और एक बार ये देख लेते हैं इसका क्या हाल है वहाँ इसको भी भाप लगा दी इसमें हल्का सा हमने पानी डाल दिया था आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है एक तो दीपक मुझे ना सारी लाइटें भी बहुत प्रॉब्लम दे रही है बताइए कौन सी प्रॉब्लम दे रही है तेरे को जो तूने जला रखी है मुंह पे ये तो व्लॉग है ना ये तो इंटरेस्ट है चल खाना खा ले अब टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और ना मैं परेशान हो गई हूँ छींक छींक के मुझे सांस नहीं ली जा रही नाक से मेरी नाक पूरी बंद है और ना विक्स मैं अवॉइड करना चाहती हूँ तो मैंने अभी यूट्यूब पे देखा घर पे विक्स कैसे बनाए तो मुझे ना अभी मंदिर के पूजा वाले कपूर चाहिए और इस पर कुछ चम्मच घी ऐड करना है नमक ऐड करना है और 5-6 ये कपूर की गोलियाँ डालनी है लेट्स सी काम करती है नहीं बहुत परेशान हो गई हूँ मैं गाइस कपूर वाला प्लान हो गया फ्लॉप कोई उसका फायदा नहीं हो रहा उसमें से कुछ खुशबू ही नहीं आ रही है जो तेज जाके मेरी नाक को खोले मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है तो अभी ना मैं सो रही हूँ जैसे तैसे ट्राई करती हूँ आज का व्लॉग करते हैं यही एंड कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय